रहीम। अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एयर विद अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब्बे करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब्बे करीम आपको आसानी अता फरमाए और आसानियाँ तकलीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान में कोई दिन ही गुजरता होगा जिस दिन कोई खबर ना हो। वेरी हैपनिंग कंट्री है और कोई ना कोई बात ज़रूर रहती है। और पिछले एक हफ्ते से जिस APC की बातें हो रही थी, बिलाकर वो हो गई और उसमें लोगों की तवक्कुआत, कुछ लोगों की तवक्कुआत थी, ज़्यादा लोगों की तवक्कुआत ये नहीं थी कि इस किस्म की तकरीर मियां नवाज शरीफ साहब जो कर सकते हैं। हशाश बशाश नज़र आए, गो के बीमारी की वजह से वो जो हैं वो इंग्लैंड में हैं। और उसके बाद कुछ थोड़ी सी मौलाना फजल रहमान साहब और पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ गुफ्तगू रही कि शायद उनको मौका नहीं मिला, उनकी ऑन एयर तकरीर नहीं गई। एक ओवरऑल जो है वो खासी जो है तुंदो तेज़ उन्हीं की तकरीर थी। और उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट था उसका रिस्पांस आज का जो है वो भी देखने को मिला। और उसमें चार वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्तलिफ ट्वीट्स भी आती रहीं। और उसके बाद आर्मी चीफ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और काबीना के कुछ लोगों की मुलाकात भी हुई। और इससे पहले ये बात भी फिर पता चली कि उससे पहले पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो आर्मी चीफ और ISI के जो हेड है उनसे मिल भी चुके हैं। और उसमें बताया गया कि शायद वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से थी। ओवरऑल आज इस मामले पे गुफ्तगू करेंगे। दो इंतहाई मौजूद और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। लताफत सिद्दीकी साहब चीफ एडिटर हैं कैनेडियन एशियन न्यूज़ के, हमारे साथ हुआ करते हैं। फयाज वलाना साहब हमारे बार बार खिलाड़ी के प्रोड्यूसर और पेशकार हैं और इनका एक्सप्रेस ग्रुप से बहुत ताल्लुक़ रहा और यहाँ पर उर्दू पोस्ट के भी एडिटर हैं। दोनों को हम खुश आमदीद कहेंगे। वलाना साहब और लताफत साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भट्टी साहब, बहुत इसमें सलाम साहब। लताफ साहब आपसे शुरू करते हैं, बिल्कुल क्या APC के हवाले से, ओवरऑल सिचुएशन से आपका एक छोटा सा राय क्या है और फिर वही राय में वलाना साहब से पूछना चाहूंगा। आज आपने जो बातें की हैं भट्टी साहब वो ठीक है, उस पर बात हो जाएगी। और मेरा ख्याल है काफी आपने ज्यादा तमीज नहीं बांधी है तो काफी टाइम मिल जाएगा बातें करने का और बहुत सारी सुनने का। ये मेरी आप तारीफ कर रहे हैं, ये मेरी तारीफ हो रही है या? आपके सवालात भी आएंगे। तो भट्टी साहब आज पंजाब की हुकूमत के तर्जमान फैयाजुल हसन ने बंदूक अपने पास रखकर इंटरव्यू दिया है, लेकिन मैं जो आज आपसे बात करूंगा वो सहाफियों से मुताल्लिक नए कानून को सामने रखकर करूंगा। इस कानून में 2 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना है, तो जाहिर है मुझे और आपको दोनों को एहतियात से काम लेना पड़ेगा। पाकिस्तान में मैंने अपने पूरे सहाफत के कैरियर में मेरे पास तो कभी इतने पैसे होना तो दूर की बात है, मैंने तो कभी 5 लाख रुपए देखे भी नहीं थे। आपके सवाल का जवाब देने से पहले सिर्फ आधे मिनट का एक वाक्य बताना चाहता हूँ इस सिलसिले में कि 25 अक्टूबर 1977 को हम अपनी शादी करने दिल्ली जा रहे थे कि PPI न्यूज एजेंसी के मैनेजिंग एडिटर जनाब जावेद बुखारी ने हमें बुलाया और कहा कि मियां शादी करने जा रहे हो, पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास? हमने कहा कि हमारे पास जो पैसे थे उसमें तो हमने PIA का टिकट खरीद लिया और एक अंगूठी अपनी होने वाली बेगम के लिए खरीद ली और बाकी खराजात वहां हमारे वालदैन उठा लेंगे। उन्होंने कहा कि जाओ अकाउंटेंट के पास जाओ, मैंने उसे कह दिया है, और उससे 4000 रुपए ले लो और सुनो घबराना नहीं। अच्छा। ये पैसे तुम्हें वापस नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा। ये तुम्हारी शादी का गिफ्ट है। खुदा का शुक्र है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये लिफाफा तुम्हारा है। भट्टी साहब आपने जिक्र किया है कि हमारे मुल्क की फौज की सियासत में मुदाखलत और इसके हवाले से आपने खास तौर पे जो बात की है वो नवाज शरीफ साहब की वो तकरीर का जिक्र किया है जो आजकल वायरल हो चुकी है और सबने सुन ली है, तबसरे भी हो गए हैं। लेकिन पहले ये शेर कि इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। घबराइए नहीं, मैंने ये शेर आपके सादा सवाल के तनाजुर में पढ़ा है, ये किसी और के बारे में नहीं कहा। हमारे पास तो ना बंदूक है और ना तलवार, हमारे पास तो सिर्फ एक कलम है जिसके बारे में कहा जाता है कि पेन इज मोर माइटियर देन सोर्ड। लेकिन हमारे पास जो कलम है हम समझते हैं कि वो तो किसी की अमानत है। हमारे कलम के बारे में तो हुकूमत के मौजूदा हुकूमत के तर्जुमान शिबली फराज के वालिद बुजुर्गवार ने कहा था, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम
तो अदालत मेरे जमीर की है, इसीलिए तो जो लिखा तपा के जहां से लिखा। बट्टी साहब, ये सारी बातें मैं जरा गैर संजीदगी मूड में कर रहा हूं, इसलिए कि मुझे मालूम है कि आगे चलकर कुछ संजीदा बातें होंगी। तो पहले बात करना चाहूंगा कि नवाज शरीफ की तकरीर पर जो बात होने वाली है उसके बारे में फिर वक्त में इतना ही कहना चाहूंगा कि बीबीसी ने अपनी हेडलाइन में कहा है कि एपीसी पीछे रह गई और नवाज शरीफ की तकरीर बहुत आगे निकल गई। इसी खबर में एक तंज़ निगार का कहना है कि नवाज शरीफ का ये मास्टर स्ट्रोक था। कराची में पीटीआई के एक वजीर ने कहा है कि नवाज शरीफ की तकरीर का मुल्क के इदारों को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। और मेरा तबसरा यह है कि नवाज शरीफ के बयान से पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदल गया है। और जो बात मैंने अपने अखबार में लिखी है वो ये है कि द बैटल हैज बिगन, द बैटल हैज बिगन। और अगर आपने ये अभी ये आपने सीरियस नहीं बात की तो पता नहीं सीरियस बात जो है फिर और आप किस तरह से करेंगे। विलाना साहब, तो लताफ साहब ने तो कहते हैं वो जो पहले 6 ओवर होते हैं ना पावर प्ले वाले जो है वो शुरू कर दिए हैं, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? लताफ साहब हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर हैं, सीनियर सिर्फ उम्र में नहीं है, एज ए जर्नलिस्ट भी सीनियर हैं जी। तो इनकी राय का इंतहाई एहतराम। ये कहते हैं कि द बैटल हैज बिगन, मेरे ख्याल में बैटल नहीं शुरू हुई। बैटल से शुरू करने से पहले सफें सीधी की जाती हैं और सफों में देखा जाता है कि हु इज गोइंग टू लीड फ्रॉम विच साइड। ठीक है, अगर तो इनका इशारा ये है कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट और प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोगों की बैटल शुरू हो गई है तो मेरे ख्याल में बहुत सारी हम गलती कर रहे हैं समझने में, और शायद जिन्होंने शुरू किया है उन्हें भी नहीं अंदाजा। वो कहते हैं ना कि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अगर तो बैटल करनी है आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो मैं तो इसे बैटल मानता ही नहीं हूँ। अब देखें ना, अब देखें जब शिबली फराज ने ये कहा कि इदारे नोटिस लें तो हम सब लोगों ने कहा कि ये बेवकूफ आदमी क्या बात कर रहा है। एक दिन के अंदर अंदर बात खुल गई ना। हुआ ये कि हफ्ता पहले इनकी मुलाकात हुई, इन्हें आर्मी चीफ ने बुलाया और सिर्फ शीरी रहमान कहती है हमें फोन आया कि पार्लियामानी लीडर से अस्करी क्यादत मिलना चाहती है। इसका मतलब है आपने मजीद तफ्तीश नहीं की, मजीद अपने कोशिश ही नहीं की जानने की कौन मिलना चाहता है, किससे मिलना चाहता है, क्यों मिलना चाहता है। और हमारे पास वो क्यों ना आए, पार्लियामेंट हाउस में आपकी इतनी पार्लियामानी कमेटियां हैं, आपको अगर अपनी जमहूरियत का इतना ही ख्याल है आप कहें जी कि आर्मी चीफ मिलना चाहते हैं, उसका एक तरीका ये कर लेते हैं कि हमारी स्टैंडिंग कमेटी है कौमी असेंबली की भी और एक स्टैंडिंग कमेटी है ऑन डिफेंस सेनेट की भी, उनका एक जॉइंट सेशन बुला लेते हैं, उसमें चीफ आर्मी चीफ साहब आ जाए और हम भी कुछ उनसे बात करना चाहते हैं, वो भी जो बात करना चाहते हैं कर लें। अगर तो वो पार्लियामेंट हाउस इतनी बड़ी बिल्डिंग है जिसका अरबों रुपए का सालाना हमारा खर्चा है, अगर उसकी पार्लियामानी कमेटीज की मीटिंग में आके आर्मी चीफ और DGISI कोई बात करते तो फिर तो हम कहते हैं कि हाँ वाकई जमहूरियत की खातिर इनको पता है कि जमहूरियत वर्सेज अमरियत हमने किस तरह खेलना है। लेकिन ये तो पाँव में जूता भी नहीं पहनते, जो ही कॉल आती है ये भागते दौड़ते वहां पहुंच जाते हैं। वहां गए और वहां कहा गया कि ये हमारी मीटिंग जो है इसकी बाहर बात नहीं की जाएगी। अब ये बात बाहर ना निकालने की रिक्वायरमेंट दोनों पार्टियों की है कि ये अपनी खुद की भी नहीं चाहते कि हम GHQ भागते भागते चले जाते हैं, चाहे वो PC होटल बुलाएं या GHQ बुलाएं या कहीं भी बुलाएं, हम वहाँ भागते भागते चले जाते हैं। 15 पार्लियामानी लीडर वहाँ मिल के आए, घंटों के हिसाब से इनकी मीटिंग हुई, मेन चीजें वहाँ डिस्कस होनी थी गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना और दूसरा ये था फैटअप का, और दोनों पे उन्होंने कहा कि हमारी जो मुक्तदर हल्के हैं हमारी जो शह दिमाग हैं चाहे वो सिविल इस्टेब्लिशमेंट के हैं चाहे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हैं, हमने ये डिसाइड किया है कि मुल्क के मफाद में ये है कि फैटअप का लॉ इस वक्त पास किया जाए और दूसरा ये हमारे मुल्क के मफाद में है ये प्रोविंस बनाया जाए गिलगित बल्तिस्तान को। अब इसके रिपरकशन होंगे, इमरान खान को डिफेंड करना पड़ेगा कि आप वहाँ मकबूजा कश्मीर में तो 370 और बाकी जो वो कर रहे हैं उसको आप वो कहते हैं और अब यहाँ आप गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना रहे हैं और आजाद कश्मीर गवर्नमेंट के भी रिजर्वेशन हैं, वो भी नहीं चाहते कि गिलगित बल्तिस्तान अलग हो। हालांकि आज तक आजाद कश्मीर गवर्नमेंट वालों ने उन्हें अपनी असेंबली में जगह नहीं दी, उनके लिए कोई फंड जो इन्हें फेडरल से मिलते थे वो उनके साथ शेयर नहीं किए, लेकिन आज जब उनके हाथ से गिलगित बल्तिस्तान जा रहा है तो वो शोर करेंगे, हल्का फुल्का करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब की तरह आमीन कहने वाले हैं सारे लीडर वहां।
ठीक है। अब वहाँ मीटिंग हुई पैटफ से और इससे, तो वहाँ दोनों जितने पार्लियामानी पार्टी के लोग थे 15 के 15, शेख रशीद टीवी पे आके कह चुका है कि किसी ने कोई एक एतराज वाली बात नहीं की, सब ने आमीन कहा, आमीन कह के वहां से निकले हैं। वहां सिर्फ ये पैटफ हो ये नहीं होगा, हालांकि इनमें से एक एक पार्टी के बंदों ने, पीपल्स पार्टी वालों ने कोशिश की बात करने की, अपने केसेस जो है नैब हमारे पे केसेस बना रही है, बुलाया उन्होंने फैटफ और गिलगित बल्तिस्तान पे बात करने के था के लिए था, लेकिन इन्होंने अपनी बात की कि हमारे पे नैब केसेस बना रही है। तो आर्मी चीफ ने और डीजीआईएसआई ने कहा कि जी वो तो हमने नहीं लगाया, वो तो आपने खुद लगाया है, और वो नैब जाने और आप जाने, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। सही। फिर सियासी आजादियों के हवाले से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हुकूमत जाने और आप जाने, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। सही है। इलेक्शन कमीशन जो है आप बनाते हैं, नैब आप बनाते हैं, हमारा उसे क्या तल्लक है, हमें इससे दूर रखें। ठीक। और वहाँ मीटिंग हो गई और ये तय हुआ कि ये मीटिंग बाहर नहीं निकलनी, और नहीं निकली एक हफ्ते तक बाद बाहर। सही। अब जब इन्होंने कल ये एपीसी की और एपीसी में इन्होंने इदारों को घसीटने की कोशिश की, तो फिर शिबली फराज ने कहा कि इदारे नोटिस लें। एक्चुअली शिबली फराज का इशारा उसी तरफ था कि चीफ साहब हफ्ता पहले आपसे ये सारी गारंटियां दे के आए हैं कि हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं करेंगे आप लोगों को, आप अपना काम करें हम अपना करेंगे, ये वो सारी ए टू जेड तय हुई, तो अब ये इन्होंने तकरीरें शुरू कर दी। ठीक। तो शिबली फराज जो बात कर रहा था वो ठीक कर रहा था, हालांकि नहीं करनी चाहिए। ठीक। हुकूमत आपकी है, ठीक करो ना जो करना है आपने। ठीक है, ठीक है सर। आर्मी स्टाफ डिफेंस मिनिस्टर के अंडर है और डिफेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान है, सारे इदारे उसके अंडर है। ठीक। अगर शिबली फराज को कोई शिकायत है तो वो अपने प्राइम मिनिस्टर से क्लोज डोर में बात करे कि प्राइम मिनिस्टर साहब फला इदारा जो है ये कर रहा है, या फला पॉलिटिशियन ये कर रहा है, या फला एजेंसी में ये हुआ है, हमने उसको ये करना है वो करना है। शिबली फराज साहब भी जो है वो भी सही बात नहीं कर रहे, और अपोजिशन के आप देखें ये इधर नारे तो ये लगाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और असल इनकी हड़तें जो है वो हफ्ता हफ्ता बाद खुलती हैं कि हफ्ता पहले मीटिंग करके आ चुके हैं, और एक हफ्ते तक इन्होंने ना मीडिया को आवाज लगने दी ना किसी और को पता चलने दिया। अब जब शिकायतें इधर उधर से लगना शुरू हुई अब सारी बात सामने आ गई है। अच्छा, मिलकर आएगा अपना सर ये वरान साहब, ये बात तो शेख रशीद साहब ने की थी, और आपको क्या लगता है क्योंकि इसकी क्लैरिफिकेशन सिर्फ शेख रशीद साहब कह रहे हैं ये बात हुई है, तो क्या शेख रशीद साहब नहीं, श्री रहमान ने आज कहा है उसने इंटरव्यू में कहा है कि सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान पे हमने बात की, हमने किसी और चीज पे बात नहीं की, उन्होंने कहा कि हाँ उसने आज ही एक इंटरव्यू में कहा है कि हम दो चीजों पे बात हुई थी, पैटअप पे बात हुई है और गिलगित बल्तिस्तान दोनों पे हुई है, लेकिन अब पैटअप वाली वो इसलिए नहीं मान रहे ना, पैटअप वाली इसलिए नहीं मान रहे कि पूरा पाकिस्तान उन्हें कह रहा है कि जब आप नंबर में ज्यादा थे तो फिर आपके 34 बंदे एब्सेंट क्यों हुए उस दिन। ठीक है, सही। आपने वो पास होने दिया अगर आपने मुखालफत में 90 वोट दिए, आर्मी चीफ ने बुलाया और चले गए, और जो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जो कुछ मैंने देखा, और ये भी उन्होंने इस हवाले से कहा कि इमरान खान साहब से तो लड़ाई है नहीं, हमें तो जो इमरान खान साहब को लाने वाले उनसे लड़ाई है, तो आर्मी चीफ किस कैपेसिटी में बुलाते हैं पार्लियामेंटेरियंस को, और पार्लियामेंटेरियंस क्यों चले जाते हैं इस हवाले से, और ये बड़ा सवाल ऐसा है, तो क्या कहानी मतलब इतनी सादा है जितनी वलान साहब बयान कर रहे हैं? देखिए भट्टी साहब, आपको तो पता ही है कि मेरा मिजाज, मैं किसी कॉलम के जवाब में जो कॉलम लिखने का कायल कभी नहीं हूं, अपनी बात करता हूं हमेशा, और ये बात बड़ी दिलचस्प बात है जो आपने कही है, इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊं कि अगर आप 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगा था और 3 जुलाई को जियाउल हक साहब ने वाजे तौर पर ये एक बयान दिया था कि हम जमहूरियत, पार्लियामेंट और वजीर आजम के मातहत हैं और हम उनके साथ हैं, और 5 जुलाई को मार्शल लॉ लग गया था, ये मैं तहरीर की बात कर रहा हूँ, और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो बात करूंगा कि वो जो बात आपका सवाल है कि फौजी जो है वो किस हद तक हमारी फौज जो है किस हद तक फौज सियासत में मुलविस है, इस पर खुल के बात करेंगे, लेकिन इसको पहले मैं ये कहता हूँ जो बात आपने की है और नवाज शरीफ की जो तकरीर है, इस सारे मामले को समझने के लिए हमें तारीख पे नजर डालनी पड़ेगी पहले, और मैं ये बात जो आपको कहने जा रहा हूँ ये बड़े इत्मीनान के साथ कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, और मैं इस ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मुमकिन है मैं 100% गलत हूँ, लेकिन अपनी बात मैं कहने का कायल हूँ और मैं कहता रहता हूँ, मौजूदा
तहरीक के रूहे रवा मौलाना फजलुर रहमान के वालिद यानी मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने उस वक्त के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ 9 सितारों वाली पीएनए की तहरीक की क्यादत की थी, जिसके नतीजे में भुट्टो की हुकूमत तोड़ दी गई थी और बाद में उन्हें फांसी दी गई थी। एक रिपोर्टर की हैसियत से मैंने इस तहरीक को देखा भी है, इस पर बहुत कुछ लिखा भी है। मैं बिला खौफ तकदीर कह सकता हूं कि इस तहरीक को मुकामी बॉस और बिग बॉस की हिमायत थी, लेकिन मैं ये बात वसूख से नहीं कह सकता कि क्या इस मौजूदा तहरीक को बिग बॉस की हिमायत हासिल है या नहीं, मगर मैं ये समझता हूं कि मौजूदा तहरीक को मुकामी बॉस की हिमायत हरगिज हासिल नहीं है। इसके अलावा मैं वसूख से भी नहीं कह सकता कि क्या हिस्ट्री विल बी रिपीटेड, या यूं कहिए कि क्या इट्स ए केस ऑफ लाइक फादर लाइक सन। लेकिन जो बात आपको कल नजर आई वो ये है कि एक पीएनए थी और कल एक नई कंबाइंड अपोजिशन बनी, उसका नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और मैं फिर एतमाद के साथ कह रहा हूं द बैटल हैज बिगन, द बैटल हैज बिगन। अपना वलाना साहब अल्ताफ साहब ने जाहिर है उसको पैराए में अपने उसमें किया, ये क्यों, मतलब एपीसी पे पहले ही बहुत बातें होती थी, एक तो नवाज शरीफ साहब का तकरीर करना, इजाज़त भी दे देना, जनरली जब कहा गया कि हम इसे इजाज़त नहीं देंगे, पैमरा की बात हुई, बहुत सारी बातें हुई, बाद में कहा गया कि नहीं, इमरान खान साहब ने कहा इनको खुद करने तकरीर, ये खुद एक्सपोज हो जाएंगे, क्या इमरान खान साहब की हिदायत पर हुई है या कोई ऐसे प्रेशर्स थे जिन्होंने कहा कि भाई करने दें इनको फिर बाद में देख लेंगे, और दूसरा ये अचानक क्या हुआ कि इतनी सख्त तकरीरें और इतने सख्त जो उन्होंने अलामिया जारी किया है, तो क्या वजह है, करप्शन के बचाने के मामलात हैं या कोई और, जैसे कोई कैसे खुफिया जो होते हैं हाथ वो इनको महमेज दे रहे हैं? बात तो करप्शन की है सारी। हाँ। आप देखें ना, वो फैटफ का जो बिल हुआ है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग सबसे बड़ा इशू है, और मनी लॉन्ड्रिंग में कितने ओमनी ग्रुप वालों ने फंसना है, और आपने देखा है कि कल से ही वो शहबाज शरीफ के चपरासी मकसूद के अकाउंट से 1.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन जो है वो सामने आ गई है, और इस तरह की बहुत सारी पिछले 2-4 दिनों में और सामने आएंगी। असल बात तो करप्शन की है। अब वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का इतना सख्त कानून आ गया है कि उसमें बहुत सारे रगड़े जाएंगे, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट वाकई कहीं मैनिपुलाइज भी करना चाहती है तो आप देखिएगा ये चीन और नून का जो इशू है, शीन और नून की रिफ्ट अभी आगे और चल के और बढ़नी है, और शीन और नून अलग अलग होंगी, मतलब एक नून को तोड़ा जाएगा, उसका जोर तोड़ा जाएगा, ये पॉलिटिकल मूव है। दूसरी तरफ जो करप्शन वाला जो मामला है, करप्शन वाला एक ऐसा औजार इमरान खान के हाथ में है कि वो उसे सियासी तौर पर इस्तेमाल करे फिर भी चलता है, अगर उसे वो अवामी तौर पर इस्तेमाल करे फिर भी चलता है, और अगर आर्मी चीफ के सामने बैठ के कहे कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ करप्शन के खिलाफ काम कर रहा हूँ, तो आगे से कोई बंदा चाहे वो आर्मी चीफ हो चाहे कोई आप जर्नलिस्ट हो कोई और बंदा हो, वो ये नहीं कह सकता नहीं नहीं करप्ट लोगों को हाथ ना डालो या करप्शन के खिलाफ काम ना करो, हर बंदा कहता है हाँ ठीक है करप्शन के खिलाफ तो होना चाहिए, ये तो एक आम राय है। इसलिए ये करप्शन वाली आपने देखा अभी तक इमरान खान ने स्पीच परसों तरसों भी उसने की, उसने कहा मैं अपोजिशन से हर मामले पे समझौता करने के लिए तैयार हूँ सिवाय करप्शन के, तो और तो कोई इशू ही नहीं है उनका, उनका तो इशू ही सिर्फ करप्शन है, बाकी किसी चीज पे उनको इतराज नहीं है। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पे भी आमीन कह दिया, हालांकि अगर वो वाकई कोई जमहूरी फरतुल्ला बाबर टाइप लोगों से पूछते तो वो शायद उसमें इतराज करते कि ये आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा ना करें, अदरवाइज वट एवर वी कैन डू फॉर गिलगित एंड बल्तिस्तान वी शुड डू। लेकिन क्योंकि इस वक्त वो घबराए हुए हैं करप्शन वाले मामले में, तो ये करप्शन वाला घोड़ा हाथ में लेके इमरान खान आइंदा 2-3 साल तक कोशिश करेगा कि इनसे जितने जितने जो जो काम निकलवाने हैं करप्शन का खाता रहेगा, और वो साथ ये भी कहता है कि मैंने तो कोई केस नहीं बनाया, ये तो केस इन दोनों एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए थे, मैं उन्हीं केसेस को सिर्फ परसू, हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही, नैब कर रहा है और नैब इंडिपेंडेंट इदारा है। अब देखिएगा 27 अक्टूबर को जब चेयरमैन नैब वो जो है जावेद इकबाल साहब जब वो रिटायर होंगे, नया चेयरमैन नैब जो आएगा उस पर डिपेंड करता है कि ये कैसा बंदा लेके आते हैं नया चेयरमैन, अगर तो वो इंतहाई जल्लाद किस्म का बंदा ले आए और उसने वाकई बिला तब्दील जो है इंतजाम शुरू कर दिया, तो फिर गवर्नमेंट की अपने जो कॉरिडोर्स में लोग हैं वो भी इंतजाम के शिकंजे में आएंगे और उन्हें भी आना चाहिए। सही। और इमरान खान को अगर इमरान खान को नंबर्स का प्रॉब्लम ना हो तो इमरान खान मेरे ख्याल में
कहेगा कि हाँ ठीक है अपने भी दो चार लटका दें जो आता है इसमें। फॉर एग्जांपल आमिर महमूद कियानी जो मिनिस्टर था हेल्थ का, उसको हटाया क्या था, उसको सिर्फ हटाया गया है, उसके खिलाफ कोई बाकायदा केसेस नहीं हुए आगे रजिस्टर। फिर इसी तरह चीनी वाले थे, आटे वाले थे, और सीमेंट का कार्टेल है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है। वो सारा करना पड़ेगा इमरान खान को, और उसे अल्लाह करे कि वो करे। अब जहां तक बात आ गई है अपना लताफत सिद्दीकी साहब वाली, वो कहते हैं कि लड़ाई शुरू हो चुकी है। मैं कहता हूं कि लड़ाई करें, लेकिन लड़ाई के लिए आप देखें तकरीर तो नवाज शरीफ की बहुत अच्छी हो गई, लेकिन कल से आज तक जब से तकरीर हुई उसके बाद से जो मियां साहब का पुराना रिकॉर्ड लोग निकाल के ला रहे हैं सामने, उसमें उस तकरीर का सारा असर गायब हो जाता है। मियां साहब के मुंह से वो बातें जेब नहीं देती। हाँ, उसकी एक सूरत है इस लड़ाई की, इस लड़ाई की ये है, मैं बहुत अच्छे से अपने कालमों में, अपने प्रोग्राम्स में हर जगह कह चुका हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून को दोबारा इक्तदार में आना है, उनके लिए सिर्फ एक रास्ता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का रिटायरमेंट का ऐलान करें सियासत से, पार्टी मरियम नवाज के हवाले करें। ये बयानिया भी मरियम नवाज का है, मरियम नवाज के एडवाइजर है परवेज रशीद साहब, मरियम नवाज के एडवाइजर इस तरह के तीन चार बंदे हैं जिनके उसकी जो भी उनकी गाइडेंस होती है, या मरियम का अपना माइंड बन चुका है एंटी एस्टेब्लिशमेंट, और वो वाकई कोई इस तरह की फाइट या इस तरह की कोई जंग लड़ना चाहती है, बहुत अच्छी बात है, जवान खून है, आगे आए, नई क्यादत है, वो सारी ये तकरीरें करे, वो लीड करे, और उसकी बयानी को उसी स्टांस को लेके चले, दैट कैन मेक अ डिफरेंस। अगर मियां नवाज शरीफ साहब रिटायर नहीं होंगे, आसिफ जरदारी रिटायर नहीं होंगे, ये दोनों बंदे, तो बिलावल और मरियम मुश्किल में रहेंगे जब तक ये दोनों रिटायरमेंट का ऐलान करके अपने आप को सियासत से लाताल्लुक नहीं करेंगे। अदरवाइज पुराना जो इनका रिकॉर्ड है, जो गलती है, वो बार बार सामने आती रहेगी, फिर इन सारी तकरीरों का, सारे नारों का असर जाया होता जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, लोग ठीक है। अच्छा सर, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा इसका, उसके बाद फिर इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। आपने अभी कहा कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट मरियम नवाज जो है उनका स्टैंड है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं रहा अब तक? आपको फयाज साहब, आपसे छोटा सा जवाब, फिर उसके बाद फिर से बात करते हैं। नहीं, किरदार मुझसे पूछ रहे हैं आप बटी साहब? नहीं, ये अभी लताफ साहब, मैंने फयाज साहब से पूछा, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा ठीक है जी, गो अहेड प्लीज। आप जनरल जिलानी और जनरल कियानी की वारदातें आपको भूल गई हैं, पूरी कौम को भूल गई हैं? बिल्कुल किरदार रहा है, हमेशा रहा है, लेकिन हमेशा हम उनके पास जाते रहे हैं, हम चोर दरवाजों से उन्हें मिलते रहे हैं, हम का जीएसक्यू का गेट नंबर 4 हमने जाके खटका है, तो उन्होंने खोल के हमारे लिए हमारी हेल्प की है। ठीक है, हमें जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ है हम उनके पास गए हैं, हमने कभी अपने तौर पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है? कभी भी नहीं की। ठीक ठीक, लताफ साहब ये अभी देखें, एक स्टांस नवाज शरीफ साहब का है और बाकी लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मसालत की तरफ जाते हैं, और ये लगातार वोट को इज्जत दो वाली बात लगातार जो है हो रही है, और जब भी मौका मिला इन्होंने पहले भी ऐसी बात की और अभी भी इसी हवाले से बात की, और ऐसी बातें करती हैं जो जनरली नहीं होती हैं, जो ड्राइंग रूम्स में होती हैं, अलग से बैठ के होती हैं, कभी कोई इस तरह से ओपनली बात नहीं करता, तो उनको इसके नहीं पता कि इसका क्या जो है वापस इसका रद्देमल हो सकता है, उसके बावजूद उनकी अपनी पार्टी के लिए जो है वो मुश्किलात हो सकती हैं, तो क्या इतनी क्या प्रॉब्लम्स, क्या वजूहत हो गई कि नवाज शरीफ साहब को इतनी सख्त तरकीब करनी पड़ी? भट्टी साहब, मैं सिर्फ इतना सा कह सकूंगा आपको कि नवाज शरीफ ने एक्सटेम्पोर तकरीर नहीं की है, उसने रिटन स्पीच स्क्रिप्टेड की है। जी बिल्कुल, और एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, जब रिटन स्पीच और एक्सटेम्पोर स्पीच में दो अलग अलग मामलात होते हैं, आप रिटन स्पीच करते हैं तो आप जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं, एक्सटेम्पोर में कभी कभी आगे पीछे हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि हुकूमत ने ऐलान कर दिया था कि उनकी तकरीर ब्रॉडकास्ट नहीं होगी, टेलीवाइज नहीं होगी, लेकिन फिर कहीं से तो हुक्म आया होगा कि उनकी तकरीर को दिखाना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने कहा, इजाजत दी उन्होंने इमरान खान? अब जी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। अच्छा, तो ये क्या हुक्म वहां से तो नहीं आया जिन्होंने हुसैन हक्कानी को रिहा किया था, जिन्होंने रेमिन डेविस को जाने दिया था, जिन्होंने भारत के पायलट को 24 घंटे के अंदर अंदर वहां भेज दिया था? और मैं ये भी इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, ये मेरी जाती राय है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ कोई कोई अथॉरिटी से कह रहा हूँ, लेकिन हर जर्नलिस्ट, हर आदमी, आप भी सोचते होंगे, वलाना साहब भी सोचते होंगे, मैं भी सोचता हूँ, तो मैं जो सोचता हूँ वो आपसे कह रहा हूँ। जिस तरह
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह एपीसी पीछे रह गई और नवाज शरीफ की तकरीर आगे बढ़ गई, इसी तरह अकाउंटेबिलिटी और जेल के मामलात आगे बढ़ गए हैं। और आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें मामलात कहीं और हों। मिसाल के तौर पर आपको याद है कि कितने साल कोल्ड वार हुई और उस लड़ाई, वो लड़ाई जो थी वो रूस के दरमियान, सोवियत यूनियन के दरमियान और अमेरिका के दरमियान थी, लेकिन उस लड़ाई को हमने लड़ा और उसका जहाज उसका नाम दिया। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के कुछ फैसले इधर उधर से भी होते हैं और ग्राउंड रियलिटी से मुख्तलिफ होते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे ये शक है, मुझे ये शक है कि अगर ये लड़ाई हमने शुरू नहीं की तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी और, कोई और तो नहीं करवा, कोई और तो ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन आपने, मैं वो आपने जो मुझसे पूछा था कि जो है आर्मी किस हद तक पाकिस्तान के सियासी मामलात में दखल अंदाजी करती है, लेकिन मैं वो जवाब देना चाह रहा था, बहरहाल आपने बीच में एक और सवाल कर लिया। लेकिन मैं इसके हवाले से आपको ये कहना चाहता हूँ, और ये आज का बहुत ही आज का यही मौजू है ना सबसे ज्यादा, नवाज शरीफ ने इसी तो बात की है कि जनाब हमें इमरान खान से मुखालफत नहीं है, हमें उनसे मुखालफत है जिन्होंने इनको वजीर आजम बनाया। मगर मैं सिर्फ तारीख के हवाले से कुछ तुम्हें आपको बताना चाहता हूँ, आपके नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि जब मुल्क में तीन मार्शल लगे थे और तीन सियासी पार्टियां बनाई गई थी, तो क्या वो शेरवानी वालों ने पार्टियां बनाई थी या वर्दी वालों ने बनाई थी? फिर मार्शल अयूब खान का जब मार्शल ला लगा तो कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई गई, जनरल जियाउल हक साहब का जब मार्शल ला लगा तो जुनेजो मुस्लिम लीग बनाई गई, और जब परवेज मुशर्रफ साहब ने मार्शल ला लगाया तो क्या वो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बनाई? और उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि चौधरी शुजात ने की मदद से हमने पीएमएल पीएमएल क्यों बनाई। ठीक। और आपको याद होगा, और ये बात बड़ी सभी जानते हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूं, और मैं जो भी बात कर रहा हूं मैं तारीख के हवाले से कर रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, कि क्या आपको ये बात मालूम नहीं कि आईएसआई के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल ने बरमला कहा था, हम तो रिपोर्टर बन चुके थे जब उन्होंने कहा, आप शायद अभी प्रोफेशन में आने की कोशिश कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने बनाई, हम कह रहे हैं, बांगे दौल कह रहे हैं कि हमने बनाई है, आपने जो कुछ करना है कर लो। साबिक आर्मी चीफ असलम बेग ने कहा कि हाँ गुलाम इसहाक खान के कहने पर हमने आईजीआई के रहनुमाओं को पैसा दिया था, और ये बात उन्होंने कई दफा कही। और ये सारा का सारा मुकदमा कि क्या मिलिट्री ने आईजेआई के रहनुमाओं को पैसा दिया था या नहीं दिया था, ये सारा का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है और उस पर फैसला अभी तक नहीं आ सका है। और क्या इस्लाम, और एक बात आखिरी बात जी जी, कि इस्लामाबाद के फैजाबाद के धरने में क्या जहांगीर तरीन या एहसन इकबाल ने लिफाफों, पैसे से भरे हुए लिफाफे बांटे थे या ये पैसे किसी और ने बांटे थे? ठीक है लता साहब, बात ठीक है, दोनों तरफ की बात है, लेकिन यही बात अगर हम कंपैरिजन विद द पॉलिटिशियंस करें तो उनकी भी ऐसी ही चीजें आपको जो है वो सामने नजर आएंगी, सिर्फ एक तरफ की बात नहीं, दूसरी तरफ भी शायद इसी तरह की, शायद इससे ज्यादा जिस तरह से मफादात जो है वो उठाए गए होंगे, उनके साथ मिलकर जो है इस किस्म के जो है वो वारदातें की होंगी। वलाना साहब, जैसे अभी लताफ साहब आपने कहा कि जनरल जिलानी से आपने जनरल कियानी तक की बात की, अभी जो रिएक्शन था गवर्नमेंट का इस एपीसी पे, उनके वजरा का, क्या वो आप किस तरह से देख रहे हैं? तो उसने तो नहीं कहीं इसको मजीद जो है, मतलब हर एक की अपनी अपनी जो है वो लगता है कि राय है, मुख्तलिफ वजरा की राय आपस में नहीं मिलती है, वो गवर्नमेंट को बजाय स्ट्रेंथन करने के बाद वीक कर देती है? इमरान खान की गवर्नमेंट के बारे में मैं हमेशा, मेरा एक बड़ा क्लियर है कि ये टीम ना तजर्बाकार है, इमरान खान खुद ना तजर्बाकार है, सिर्फ इमरान खान के अलावा पूरी टीम में कोई एक बंदा आप नहीं कह सकते कि जिसका विजन क्लियर है और जिसे पता है कि उसने क्या करना है। इमरान खान ने अब तक जो गवर्नमेंट की है ना 2-2.5 साल, वो सिर्फ अपनी एक नेक नियति और एक अपने इस हौसले पे
कि हाँ मैं कर जाऊंगा, हम कर लेंगे। आपको पता है वो उसकी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरी है, शौकत खाना उसने स्टार्ट किया तो बस मैं बना लूंगा, पता नहीं कितने करोड़ का, कितने उस वक्त 70 करोड़ था शायद उस वक्त, हाँ जी, उसने हाथ डाल दिया। हालांकि उसके पास उस वक्त स्टार्ट में तो कुछ नहीं था, लोगों ने पाकिस्तान भर में लोगों ने उसे पैसे दिए, औरतों ने जेवर तक उतार के दिए, चंदा लोगों ने दिया, तो वो बना ना इतना बड़ा प्रोजेक्ट। तो उसने सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारी है कि हाँ मैं कर लूंगा। एक तो उसके ये जो एक उसका एक अज़्म मुसम्मम कह लें आप, चाहे वो उसने मार खाए चाहे हार जाए जो भी हो, दूसरा एक कि हाँ मैंने करना है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान का करना है, ये दो चीजों की बेस पे वो चल रहा है अब तक। टीम वाली बात कोई नहीं है, कोई जरूरत नहीं थी ये घबराने की। और ये चार मिनिस्टर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक इधर जा रहा है उधर जा रहा है, मुराद से टीवी वालों को कह रहा है कि मेरा बीपर दें लाइव, ये वो मिनटें कर रहा है। शहबाज गिल साहब कल, शहबाज गिल साहब जो है वो अपनी अलग से एक पूरी कहानी सुना रहे थे। क्या जरूरत थी, तकरीर हो गई, लोगों को अपना रिस्पॉन्स देखने दें और उसके बाद अगला मूव करें। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने, मेरे ख्याल में तो उन्होंने जो कहा है जी कि हम जनवरी में हुकूमत गिराने इस्लामाबाद आएंगे। अब देखें ना, पहले लोग होते थे, अब मौलाना फजल रहमान की भी दरमियान में बात की लताफत सदीकी साहब ने, मौलाना बेचारा बिछड़ा हुआ है, मौलाना लेट हुआ है। मौलाना के बारे में मोहसिन नकवी का वो शेर है ना कि मोहसिन हमारे साथ अजब हादसा हुआ, हम रह गए हमारा जमाना चला गया। मौलाना फजल रहमान साहब की उठक बैठक रही है, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब जैसे लोगों से, सरदार शेरबाज मजारी जैसे लोगों से और उन बड़े संस्थानों से। आप मौलाना फजल रहमान को बैठना पड़ रहा है बच्चों के साथ, मरियम और बिलावल जैसे लोगों के साथ। सही। आप इसलिए मौलाना फजल रहमान जो बातें करता है वो उस वक्त की बातें करता है जबकि आपने देखा कि स्पीच इनकी हो गई, तो जब मौलाना की जब स्पीच आई तो उसकी आवाज ही बेचारे की दबा दी गई और उसने बाकायदा एहतजाज किया, बिल्कुल ठीक। और आप अगर सबकी स्पीचेस को कंपेयर करें तो सबसे मजबूत मौकफ, सबसे बेहतरीन स्टांस एज ए डेमोक्रेटिक पर्सन मौलाना फजल रहमान का है। लेकिन नवाज शरीफ की स्पीच को सारे क्यों कहते हैं जी कि वो आगे निकल गई, एपीसी पीछे रह गई, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जिस माहौल में तकरीर की आप देखें ना, वहां ही मौके पे बिलावल ने ऐसा उसे जवाब दिया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम रिजाइन देने के लिए तैयार हैं, मियां साहब आ जाएं और हमारे सीट पे ले और जाएं स्पीकर को पेश कर दें। सही, ठीक। अब बिलावल को पता है ना मियां साहब ने आना है ना इस्तीफे पेश होने हैं। ठीक। इस्तीफा एक ऐसी चीज है, आपको याद होगा इमरान खान ने 126 दिन मुजाहरे रखे, इस्तीफे ना उन्होंने दिए ना उसे प्रॉपर तरीके से दिए ना उन्होंने होने दिए, बल्कि जो पीटीआई के इस्तीफे, जो पीटीआई के दिए गए इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, इवन इतने अरसा वो पड़े रहे। नहीं सही, ठीक है। अच्छा अब ये आपकी इतना दम है ना उनमें दम है। अच्छा क्या देखिए ना, आप देखें जनवरी में सख्त सर्दी होती है, जनवरी में आप इस्लामाबाद आ सकते हैं मुजाहरा करने, आपने लोगों को मारना है वहां कौन से उनके लिए स्टे के लिए, मौलाना साहब के लिए तो कंटेनर होगा कोई एयर कंडीशन कंटेनर, मौलाना साहब का कमरा बुक होगा मैरियट में भी और सरीना में भी, लेकिन आम पब्लिक जनता किधर जाएगी। सही। पहले जमाने में दो चीजों का ख्याल रखा जाता था आजादी मुजाहरा करते हुए, एक मौसमी शिद्दत का और एक फसलों की कटाई का। नहीं मेहल, जनवरी में उन्होंने विलान साहब जनवरी में उन्होंने इस्तीफे देने की बात की है, शायद उससे पहले, शायद वो नवंबर दिसंबर में शायद कोई करेंगे मेरे ख्याल में जलसे वलसे। उन्होंने कहा है हम अच्छा। अक्टूबर से 10 दिन पहले दिए हैं इस्तीफा दे दे, नहीं तो अक्टूबर से हम पूरे मुल्क में इत्तेजाजी मुजाहरे करेंगे अक्टूबर, हाँ में हम इस्लामाबाद आएंगे। ठीक है, फिर वो वाकई मुश्किल है, इतनी सर्दी में कैसे जाएंगे, आना जो नहीं है। इन्होंने जनवरी में आगे अप्रैल में ले जाएंगे, अप्रैल मई में आगे गंदम की कटाई का फसल। नहीं नहीं, वो अप्रैल में तो सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद तो फिर जो मर्जी करते रहे, फिर तो कुछ फायदा नहीं उसका। सेनेट का इलेक्शन से ये जान छुड़ाना चाहते हैं और सेनेट में अगर वो दोनों एक पेज पे हैं पिंडी वाले और इस्लामाबाद वाले, तो सेनेट का इलेक्शन होगा और वो इन्हें अक्सरियत भी देंगे। ठीक है। अच्छा लताफ साहब, क्या अपोजिशन आपको अभी, कल तो खैर सारे बड़े, आज शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे सीमेंट लगा दी है अब इसमें कोई दराड़े नहीं पड़ेंगी, अपोजिशन इकट्ठी रह सकेगी आपके ख्याल में, अगर ऐसी जो एक मौलाना साहब की तकरीर के हवाले से भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बनी है इसमें? भट्टी साहब, ये तो चीजें चलती रहती हैं ना, आपको याद होगा ये यूनिटी हो या ना हो, फिर मैं तारीख की तरफ ही आपको लौटाता हूँ कि जब जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ तहरीक चली पीएनए की, तो
मौलाना शाह अहमद नूरानी के जो लीडर थे वो पीएनए के जो थे सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने भुट्टो से मुलाकात कर ली और जनाब पीएनए को बता दिया कि भाई तुम्हारा बंदा तो टूट के जुल्फकार अली भुट्टो से जाके मुलाकात कर ली। तो गालिबन उनका नाम बाजवा था या क्या नाम था मुझे याद नहीं रहा, पुरानी बात है। आप ये शरारत कर रहे हैं बाजवा का नाम लेके। नहीं, कुछ नाम था उनका, जो कुछ भी था वो मौलाना जेयूपी के लीडर थे। ओके। तो उन्होंने फिर बाद में जब उन्हें कहा कि जनाब आप पीएनए के सेक्रेटरी जनरल बने थे और आपने तो जाके भुट्टो से मुलाकात कर ली, तो उन्होंने कहा कि जनाब मैंने मुलाकात जरूर की है, मुलाकात करने से, मीटिंग करने से प्रिंसिपल नहीं बनते, बदलते। तो बहरहाल उनको निकाल दिया गया और फिर पीएनए की तहरीक चली, और पीएनए की तहरीक जो चली तो वो 9 पार्टियों पर मुश्तमिल थी। अब मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के बेटे ने जो तहरीक शुरू की उसमें 11 पार्टियां हैं। मैं आपको वसूख से नहीं कह सकता कि इसकी कामयाबी होगी या नाकामी होगी, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है, कोई हम आलमुल गैब थोड़ी हैं और हम कैसे कह सकते हैं कि हम वो जरूर कामयाब होगी, इसलिए कि हम कोई मौलाना फजलुर रहमान के तर्जुमान तो नहीं है कि हम उनकी उनको नहीं कह सकते। लेकिन जो तारीख के हवाले से मैं बात करना चाहता हूं, और मैंने मौलाना मुफ्ती महमूद साहब को भी बहुत इंटरव्यू किए हैं और मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकातें की हैं बहुत ज्यादा, लेकिन बाप बेटों में कौन ज्यादा जहीन है इसका भी मैं कोई तायुन नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये अपने मशाहदे से बता सकता हूं कि मौलाना फजल रहमान को बहुत कम लोग इस अंदाज इस पे जानते हैं कि उनका प्रोफाइल अपने बाप से बड़ा था। और उनका प्रोफाइल अपने बाप से क्यों बड़ा था कि इनको किसी तो कुवतों ने कोई तो बड़ी ताकतें थी, चाहे वो वहां पर वो ताकतें किसी बहुत मालदार मुल्क में हो या किसी और अंदाज से सुपर पावर से कोई ताल्लुक हो, ये क्या मौलाना फजल रहमान नहीं है जिन्होंने तालिबान की तंजीम बनाई थी, पाकिस्तान में बैठ के नहीं, पाकिस्तान से बाहर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, और मेरा ख्याल ये है कि आने वाले हालात पे भट्टी साहब कोई कंक्लूड करना या ये कहना कि इसका ये फैसला होगा या कंक्लूड करना मेरे ख्याल में कबल वक्त होगा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि फजलुर रहमान जो हैं वो अपने बाप की तरह कामयाब हो जाएंगे, तो मैंने तो ये कहा है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब को बिग बॉस की हिमायत है, क्या ये केस लाइक फादर लाइक सन है, ये एक तारीख के हवाले से मेरे जहन में एक थॉट आया जो मैंने आपके सामने पेश किया। अब वलाना साहब, अभी जब पहले एक मसला हुआ सेनेट के इलेक्शन में, कितने ही लोग जो है वो फ्लोर क्रॉस कह लें या वट एवर, क्योंकि वो तो क्योंकि खुफिया राय शुमारी थी उसमें पता भी नहीं चल सका, गो कि आइडेंटिफाई हो गया। और अभी फैटएफ की जो कानून साजी के हवाले से थी, इनके बंदे भी ज़्यादा थे, आए नहीं कम हो गए, तो ये क्यों, मतलब कैसे होता है, क्या ये खुद शामिल होते हैं या फिर वो जो ये इल्ज़ाम लगाती है अपोजिशन के इन पर प्रेशर डाला जाता है, ये क्या आखिर इसकी क्या वजह है? अगर इतनी गेम है तो फिर आवाम बेचारी फिर क्या करे, सब अगर मिले हुए तो आवाम के साथ फिर क्यों धोखा है ये? नहीं, अवाम को थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए ना। आज जो है वो ना तो ये 77 का दौर है, ना 70 का दौर है, ना 80s है, ना 90s है, आप तो 2020 में आप बैठे हुए हैं, इंटरनेट में सोशल मीडिया का दौर है, 5 मिनट में चीज वायरल हो जाती है और पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। आज हमारे जितने लोग वेल अवेयर हैं और लोग समझते हैं चीजों को, फॉर एग्जाम्पल मौलाना फजल रहमान साहब की बात अभी हो रही थी, मौलाना साहब सियासी तौर पर इंतहाई मिच्योर आदमी है और उनकी गुफ्तगू सियासी एतबार से इंतहाई मिच्योर होती है। बिल्कुल। लेकिन आपको पता है इस वक्त मौलाना साहब ने जो कराची में इतना बड़ा इज्तिमा किया था, क्या वो अपनी जेब से मौलाना साहब इतना बड़ा खर्चा करके कर सकते थे? नहीं। फिर उन्होंने एक पिशावर में किया, अब दोबारा वो इतने ही बड़ी तादाद में लोग लेके आना चाहते हैं और वो पूरे पाकिस्तान में जलसे कराएंगे और उनके जलसे इतने ही बड़े होंगे। लेकिन ये फंडिंग कहां से आ रही है? मैं इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन मैं दूसरी तरफ आपको लेके जाता हूं कि इमरान खान क्योंकि ना तजर्बाकार आदमी है, उसने एक काम कर दिया था, उसे ये कहना नहीं चाहिए था। उसने किसी इंटरव्यू में कहा है कि सऊदी अरब ने जब हमें अपनी लड़ाई में किसी और की लड़ाई में हमें घसीटने की कोशिश की तो हमने क्लियर कर दिया कि हम पहले वाला पाकिस्तान नहीं रहा,
हम अब किसी की ना लड़ाई लड़ेंगे, ना किसी की लड़ाई में शामिल होंगे, ना किसी की खातर लड़ेंगे। तो हमने उनका 1 अरब रुपया ही नहीं वापस किया, 7% इंटरेस्ट भी दिया है, हमने 1 अरब और 7 करोड़ रुपया उन्हें वापस किया है। ये इमरान खान ने किसी इंटरव्यू में कहा है, इमरान खान को ये कहना नहीं चाहिए था। बातें पहुंच जाती हैं और ये सऊदीया गवर्नमेंट तक चीजें पहुंच गई हैं। मैं नहीं कहता कि मौलाना साहब का सऊदीया से क्या ताल्लुक है, लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पीछे देखनी पड़ेगी कि लीबिया के मौलाना साहब के कितने दौरे हैं, सऊदी अरब के कितने दौरे हैं, और पाकिस्तान में कौन सी सियासी तंजीम या सियासी जमात या मजहबी ग्रोह को किस मुल्क से फंडिंग मिलती रही है या अब भी मिलती होगी। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन लोग जानते हैं, लोग चीजें देखते हैं, एकदम इतने बड़े इस्तेमाल, इतने ज्यादा अखराजात, ये सब कुछ क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। लताफत सिद्दीकी साहब की बात ठीक है कि ये सिर्फ यही नहीं हो सकता कि सिर्फ लोकल इश्यूज हो, ये कोई रीजनल या इंटरनेशनल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो वो तो चीज एक साइड पे हो गई, दूसरी साइड पे ये है कि क्या मौलाना साहब तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर कुछ बहुत बड़ा पाकिस्तान में कुछ सियासी इनकलाब ले भी आए, पब्लिक को सड़कों पर ले आए, चाहे वो मदरसे के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, तादाद तो तादाद होती है, सर जब नजर आते हैं सड़कों पे तो वो सर होते हैं, ये नहीं देखते कि इस पे टोपी है, रुमाल है, या नंगे सर के लोग हैं या कौन है, सर तो सर होते हैं। वो तो जब इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं तो फिर उनकी चढ़ाई चढ़ाई होती है। लेकिन आप ये देखें कि क्या इमरान खान अकेला आदमी है, लेकिन उसका स्टांस मजबूत है। अब तक उसने जो जो जहां जहां अमेंडमेंट सामने लाया है, हालांकि उस पर अक्सरियत नहीं है, लेकिन जो जो अमेंडमेंट वो लेके आया है या जो जो वो काम कर रहा है, वो एक आम आदमी के फायदे के काम है। नहीं, वो कैसे हो रहे हैं वो सर, वो कैसे वो स्टांस किस ऊपर हो रहे हैं, फिर कैसे वोट पूरे हो जाते हैं, आखिर कोई प्रेशर तो होगा ना कहीं ना कहीं। नहीं, अगर इमरान खान ने 1,70,00,000 वोट लिए हैं तो नवाज शरीफ ने भी 1,30,40,00,000 वोट लिए हैं। इसलिए नवाज शरीफ की बात और जरदारी की बात, जरदारी ने भी 70-80 लाख वोट लिए हैं। हर बंदे की अपनी एक स्ट्रेंथ है। अगर कोई ये कहे कि हम जो है किसी जगह से भी, हमें चाहे फॉरेन फंडिंग हो चाहे लोकली जनरेटेड फंड्स हो, हम उसे चढ़ाई कर लेंगे, तो क्या मुखालिफ जो 1,70,00,000 जिस बंदे ने वोट किए हैं और इकतदार में बैठा हुआ है और ये भी कहता है कि हम सब एक पेज पर हैं और पेज वाले भी उसके साथ हैं, और फिर पेज वालों को आप गालियां भी दें और ऐसी ऐसी गालियां दें कि पूरे 56 मिनट नॉन स्टॉप तमाम मीडिया पे आपकी वो चले भी, और आपका रिकॉर्ड ये हो कि आप उन्हीं बैक डोर से गेट प्रचार से जीएसयू में उनसे मुलाकातें भी करते रहे हैं और हफ्ता पहले भी मुलाकातें करके आए हो और तसलियां और तशफियां करा के आए हो, रिकॉर्ड आपका ये है। लड़ाई आप बहुत बड़ी लड़ना चाहते हैं, पता नहीं लड़ेंगे कैसे, पाकिस्तान में आप मफरूर हैं, पाकिस्तान आप आना नहीं चाहते। बिलावल भुट्टो ने ठीक कहा कि आप आए पाकिस्तान, आए हमसे इस्तीफे लें और जाके स्पीकर को दें। अब इस सारी लड़ाई में फायदा किसने उठाना है, मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाना है फायदा। मरियम नवाज इससे पहले तक टू बी प्राइम मिनिस्टर या नेक्स्ट इन वेटिंग थी, लेकिन मियां साहब की इस तकरीर ने, जो बहुत आगे निकल गई है और एपीपी पीछे रह गई है, इस तकरीर ने मरियम नवाज को पीछे कर दिया है, एंड नाउ बिलावल इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप अगले इलेक्शन में या उसी अगले इलेक्शन में। आसिफ जरदारी मियां साहब से ज्यादा केयरफुली खेलेगा, और देखिएगा इस सारी लड़ाई झगड़े में, सारी पॉलिटिकल हल्ला-गुल्ला में, अफरा तफरी में, एट द एंड फायदा उठाना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाना है, ना मौलाना फजल रहमान के हाथ कुछ आना है, ना मियां नवाज शरीफ के कुछ हाथ आना है, ना शहबाज शरीफ के कुछ हाथ आना है। ठीक है लताफ साहब, अब व्हाट नेक्स्ट, क्या जब इतनी पोलराइजेशन है और ये नफरत जो है ये सिर्फ अब आम, ये ट्रांसलेट हो गई अंदर लोगों के फैमिलीज में, दोस्तों में, जहां देखें एक दूसरे के, मतलब पहले तो एक था कि चलो कोई थोड़ा बहुत लिहाज था, अब हम देखते हैं कि लोग मुश्तिल हो जाते हैं पार्टी के हवाले से, एक दूसरे से गुफ्तगू करते हुए जो है वो थोड़ा सा वो उन रिवायत का ख्याल नहीं रखते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या है आगे, क्या होने वाला, क्या है? देखिए पहली बात तो ये है कि अभी फजल रहमान साहब, जैसे कि मैंने कहा कि आई एम नॉट होल्डिंग एनी ब्रीफ ऑफ फजल रहमान और इमरान खान ऑफ एनी बडी। जहां तक बात हुई है कि वो उनके उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो ना मैं ये कह सकता हूँ कि फजल रहमान साहब के इतने वसाइल हैं कि वो इतने बड़े बड़े जलसे करें, उनके पास पैसे हैं या नहीं है। मैं इमरान खान को चूंकि पर्सनली जानता हूँ, तो उनके पास तो बेचारों के इतने पैसे नहीं थे, उनके साथ हमने काम भी किया, लेकिन बहरहाल 126 दिन का धरना हुआ और बड़े बड़े जलसे हुए, तो इस बहस का तो कोई फायदा नहीं है इस वक्त। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जो सवाल किया है कि
अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। जी भट्टी साहब, ये एक बहुत अहम सवाल है और मेरा ख्याल आप बात इसी बात से शुरू होनी चाहिए थी। और मैं ये समझता हूँ कि हमने आपके साथ प्रोग्रामों में भी 3 साल से कह रहे हैं कि देखो भाई सियासी बहरान आ चुका है। पहले हमने कहा कि सियासी बहरान आ जाएगा, ये मत करो ये मत करो, फिर कहा कि यार मिलजुल के बैठो तो सियासी बहरान, अगर अगर मिलजुल के नहीं बैठे तो माशी बहरान आ जाएगा। तो सियासी बहरान और माशी बहरान आए और इतना इतना माशी बहरान आ चुका है, ये बात मैं वसूख से कह रहा हूं कि पाकिस्तान के बेशतर मसाइल जो है वो माशी बहरान के तय करेंगे। और सियासी और माशी बहरान ने पाकिस्तान में एक एक इंतहाई संगीन रास्ता इख्तियार कर लिया, ये बहुत संगीन हो गया है। और हमें ये भी सोचना होगा कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो हैं, आप उन पे तो नजर डालें कि हमारे हमारे इर्द गिर्द और हमारे जो नए अलायंस बने हैं उनकी तो बात करो। नया अलायंस कौन है? इंडिया है, इजराइल है, अमेरिका है, और आपके तो सऊदी अरब से भी ताल्लुकात खराब हो गए। तो हमें क्या इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, या हमें ये सोचना है कि पाकिस्तान की बका है तो इलेक्शन होंगे ना, पाकिस्तान की बका है तो मरियम नवाज हारेंगी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है, मेरा अगेन जाती नुक्ता नजर है कि मैं इसके हवाले से सिर्फ एक बात इनडायरेक्टली कह सकता हूं, अयूब खान गए तो उनकी पार्टी जो है कन्वेंशन मुस्लिम लीग शाम को गायब, उसके बाद जियाउल्लाह की जो थी दूसरी जो आई जुनेजो लीग वो गए, जुनेजो साहब की अपनी जुनेजो पीएमएलएन जुनेजो ग्रुप भी लेके गए, मुशर्रफ जब गए तो वो काफ वाफ सब इधर उधर और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। तो ये तो इलेक्शन की बातें हैं, लेकिन ये सारी की सारी बातें पीस टाइम की बात है। आपके पता है कि आपके बॉर्डर पे 9 लाख फौजें खड़ी हैं, तो हम पीस की बातें जो है अगर करनी है तो हमें ये बातें करनी चाहिए कि पाकिस्तान को जो है वो इस बहरान से कैसे निकाला जाए। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, 3 दफा तो नवाज शरीफ भी वजीर आजम बन गए थे तो वो तो वजीर आजम नहीं है, बेनजीर 2 दफा वजीर आजम बनी तो वो तो इस दुनिया में भी नहीं है, वगैरह वगैरह, जुल्फकार अली भुट्टो भी, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। लेकिन सवाल ये है, पाकिस्तान तो आते जाते नहीं रहते ना, अगर ईस्ट पाकिस्तान चला गया तो वापस तो नहीं आया। तो मेरा ये ख्याल है कि हम अखबार वालों का और सबका और जो लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और मुल्क को, मुल्क ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, इस मुल्क में पोटेंशियल भी बहुत है, तो इस पे तो कोई डिस्कस ही नहीं हो रहा। कब तक नवाज शरीफ वर्सेस जरदारी वर्सेस इमरान खान और फलाना और डिमका, ये सब बातें मेरी जाती राय में, मैं इनको ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा हूं, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जियोपॉलिटिक्स, रीजनल जियोपॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें क्या भारत की कोई विश लिस्ट नहीं होगी? अगर उन्होंने अमेरिका से डिफेंस पैक्ट किया होगा तो वो कुछ चाहते होंगे। अगर इसराइल जो है वो मिडिल ईस्ट में आके अब बैठ गया है, उसकी भी तो कुछ ख्वाहिश होगी। तो क्या तर्ज़ निगार और जर्नलिस्ट या हम और आप और सब मिलके ये टेबल पे ये तो डालो कि इनकी विश लिस्ट क्या है, ये चाहते क्या है और हम कहाँ खड़े हैं, जिसपे तो कोई बात नहीं हो रही। मेरा ख्याल है आप मुझसे इत्तफाक करें या ना करें। ठीक है बिलान साहब, सेम क्वेश्चन आपसे, क्या आगे अब क्या नजर आ रहा है और किस तरह से माशी सूरत हाल जो है, आपको पता है कि पाकिस्तान की जिस तरह से है गो के कुछ बेहतरी के आसार हैं, तो आपको क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, आप किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान बिल्कुल ठीक ट्रैक पे जा रहा है। आप देखें आज से कोई 4 महीने पहले एक्टमा के चेयरमैन जो है, एक्टमा है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन, जी उसके चेयरमैन है गौर साहब, उसका इंटरव्यू एक मैंने सुना था, उन्होंने कहा वॉइस ऑफ अमेरिका पे उन्होंने कहा था कि हमारी पाकिस्तान भर की जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हम अपनी 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, इस वक्त हमें कोई बिजली का प्रॉब्लम नहीं है, हमारी 100% प्रोडक्शन है और हमारे अगले 1 साल तक की हमारी तमाम मिलें जो हैं वो फुल्ली 100% बुक हैं। और आप
आपने देखा कि इस कोरोना में भी सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ओपन करने का गवर्नमेंट ने कहा कि ओपन करें और आप काम करें, और वो काम कर रहे हैं। उसका असर आपको इस साल के एंड पे जब आपको एक्सपोर्ट्स के फिगर्स आएंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के फिगर्स कहाँ चले गए हैं। इसके अलावा डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत काम हो रहा है पाकिस्तान में। अभी गवर्नमेंट ने हाउसिंग सेक्टर जो कहते थे 50 लाख घर कैसे बनेंगे, क्या होगा क्या नहीं, आपने देखा पाकिस्तान में आज तक फोर क्लियर लॉज नहीं थे, अब फोर क्लियर लॉ हो गए हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और अब पाकिस्तान में इससे पहले 0.2% बैंक मॉर्गेजेस देते थे क्योंकि फोर क्लियर लॉज नहीं थे, अब वहां अगर कोई मॉर्गेजेस शुरू देना करेंगे बैंक और लोग घर बनाना शुरू करेंगे। आपके पास बुनियादी चीजें नहीं है, आपने वहां पाकिस्तान में इन्होंने अब डिजिटल अकाउंट जो खोला है उसके बाद अब पेपाल और फेसबुक और जितने ये सोशल आजकल है उन सबको अब पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है नए अपने जो साइबर के लॉज ला रही है उसमें पाबंद कर रही है कि आप पाकिस्तान में जाके अपने ऑफिस खोलें और हमारे साथ यहाँ बैठ के बात करें कि यहाँ से आप कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं और किधर लेके जा रहे हैं और कैसे लेके जा रहे हैं। अगर आपने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की मार्केट को कैटर करना है तो आपको हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे करना होगा एंड यू वॉन्ट बी एबल टू टेक अवे डाटा फ्रॉम पाकिस्तान। तो डाटा प्रोटेक्शन की बात हो रही है, इन चीजों पे काम हो रहा है, हर मिनिस्ट्री काम कर रही है। सिर्फ इमरान खान का मसला ये है कि वो हर मिनिस्टर से, मैं तो बस कितनी दफा कह चुका हूँ कि उसे चाहिए कि हर 2 महीने हर 3 महीने बाद इन मिनिस्टर्स को बुलाए और इनसे इसकी कारकर्दगी पूछे और कारकर्दगी लाइव टीवी पे लोगों को दिखाएं कि ये इस मिनिस्टर की और इसके सेक्रेटरी की ये कारकर्दगी है, तो जो काम नहीं करता साइड पे करें। अगर लेकर हमारे यहाँ ना बिलावल इससे बात करेगा, ना मौलाना फजल रहमान इससे बात करेगा, ना मरियम इससे बात करेगी, जो करने के काम है। लेकिन उनका मसला क्या है, उनका मसला करप्शन है, नैब है, आर्मी चीफ को DGISI को मिले हैं, इन्होंने नैब के चेयरमैन की कंप्लेंट की है और तो कोई कंप्लेंट नहीं की इन्होंने, इन्होंने महंगाई का तो बात नहीं की। अभी इनके जो 30 पॉइंट आए हैं उसमें कितने पॉइंट्स हैं महंगाई से रिलेटेड, कितने पॉइंट्स हैं बेरोजगारी से रिलेटेड, कितने पॉइंट्स हैं एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड, कितने पॉइंट्स हैं कोविड के हवाले से, कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि करप्शन करप्शन करप्शन। हमारा जो है नैब हमारे पीछे ना आए, ये जो बेनामी अकाउंट निकल रहे हैं ये निकलने बंद हो जाए और बाकी हमें जो है सीटें दें, कश्मीर कमेटी की चेयरमैन ही दें, सेनेट में हमें जो है प्रॉपर एडजस्ट किया जाए, कौमी असेंबली में एडजस्ट किया जाए, सिर्फ इनके ये मुतालबे हैं और कुछ नहीं है। पब्लिक की बात कौन करता है, कोई भी नहीं करता। और मसला ये है कि हमारा मीडिया जो है वो भी इन्हीं के पीछे भाग रहा है और इन्हीं के पीछे दौड़ रहा है। लताफत साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि जो रियल इश्यूज हैं उन पे ना हम मीडिया वाले बात कर रहे हैं, ना हमारी कौम उसकी तरफ जा रही है और गवर्नमेंट को तो होश ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है कि किस चीज को रिएक्ट किस तरह करना है। अब इस पे इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है कि 4-4 मिनिस्टर बैठ के जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। ठीक है सर, और सर थैंक यू वेरी मच, आपसे दिल तो करता है और जब आपसे गुफ्तगू होती है दोनों हिसाब से तो चाहे घंटों करते रहें और बहुत सारी चीज़ें हम आपसे सीखते भी हैं, लेकिन क्या करें, प्रोग्राम का एक ख़ास वक्त मुअय्यन है, उसके अंदर ही प्रोग्राम ख़त्म करना होता है। लताफत सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त देने का, थैंक यू वेरी मच। आपका भी शुक्रिया। और वलाना साहब थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दो तरह की आपने गुफ्तगू सुनी, एक तरफ बहुत उम्मीद है, दूसरी तरफ कुछ खदशात हैं लेकिन उसमें हकायक भी हैं। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो ऐसे ही है, मतलब इतना अरसा हो गया, हम भी जो बचपन जवानी उधेड़ उम्र तक आ गए, लेकिन ऐसे ही रहा। वो जो गाना शहजाद राय ने बनाया था कि जो है वो सूरत हाल जो है मुश्किल सूरत हाल से ही जो है वो गुजर रहा है, इसका हल कैसे होगा? जाहिर है हर शख्स की ख्वाहिश है, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है, चाहे पाकिस्तान में रहने वाले हों या पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हों, अपने वतन से मोहब्बत जो है वो सभी को होती है और उसका इजहार मुख्तलिफ तरीके से किया जाता है, लेकिन सियासी तौर पे वहाँ जो पोलराइजेशन नज़र आ रही है वो दुरुस्त नहीं है। ज़रूर आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, अपने अपने जो आपके पार्टी जो है उसको सपोर्ट कीजिए, एक तो इखलाक के दायरे में रह के, और फिर रियासत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए किसी भी हवाले से। आप जो एस्टेब्लिशमेंट की बात होती है, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की बात होती है, अब इतने अरसे से वो किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट में शामिल हैं, तो नया जो इमरानी नज़रिए की बात की जाती है, एक नए निज़ाम की बात की जाती है, अब कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम करना होगा और तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ कर अपना अपना, शायद हम हिस्सा तो नहीं कह सकते लेकिन क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं वो उनको तफवीज़ कर देनी चाहिए और कोई ऐसा सिस्टम बना देना चाहिए जिससे वंस फॉर ऑल ये तमाम मामलात ख़त्म हो जाएं। इलेक्शन है, जमहूरियत है, आप इलेक्शन लड़ें जीतें और जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहीं रहे, आप यक
दम जो है या जुम्बिश जिसे कहा जाता है कि ना तो आप एस्टेब्लिशमेंट को ख़त्म कर सकते हैं और उनका एक सिस्टम बन गया। अब 70 साल हो गए किसी ना किसी तरीके से वो कहीं ना कहीं शामिल, उनकी अपनी चीज़ें इतनी जो हैं वो आ गई हैं, तो कोई ऐसा तरीका निकालें कि चीज़ें सबके लिए जो हैं वो रहें, वो अपना काम भी करते रहें और जो उनकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके मुताबिक भी चलते हैं। और जमहूरी तौर पर जो सियासी निज़ाम के जो लोग हैं वो सियासत के साथ साथ कुछ एक वक्फा ऐसा को 5-7 साल का या 4 साल का को टेक्नोक्रेट्स के हवाले से बात की जाती है, डिफरेंट हवाले से बात की, जो गो के जमहूरियत के हवाले से लोग इसको पसंद नहीं करते, लेकिन इससे निकलना है, इस सूरत हाल से एक दफ़ा निकलना बड़ा ज़रूरी है और उसके बाद आप एक दफ़ा निकल के और फिर अपने प्लेटफॉर्म को दुरुस्त करके उसके ऊपर चलते रहें। मुख्तलिफ राय होती हैं, शायद आजकल इस हवाले से भी सोचा जा रहा है। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी को हारने की चीज़, एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। स्टूडियो इंजीनियर तारा भट्टी और अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ और सपोर्ट देना। Looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. जैसे जैसे कारोबार दोबारा खुल रहे हैं, जिस्मानी दूरी की मशक जारी रखें और अक्सर अपने हाथ धोएं, कोविड-19 के फैलाव को रोकने में मदद करें। ontario.ca/coronavirus देखें, यह इश्तिहार हुकूमते ऑन्टेरियो ने जारी किया है। हैंड सैनिटाइजर का बकायदा इस्तेमाल बहुत से मुहलिक वबाई अमराज से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर बाजार में दस्तयाब तमाम सैनिटाइजर्स के मुकाबले में कई अहम खसूसियात रखता है। हेल्थ कनाडा से मंजूर शुदा 75% फूड ग्रेड अल्कोहल से तैयार करता पीएच बैलेंस्ड फार्मूला न सिर्फ आपको जर्म से बचाता है बल्कि आपकी जिल्द की हिफाजत भी करता है। 99.9% जर्म्स का फौरी और यकीनी खात्मा। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। तो लेकर आए हम आपकी खातिर दूर देश से प्यार लिए, प्यारों का इजहार लिए, आए ढेरों सौगातें खुशियों के लम्हात में, अपनों का पैगाम लिए, क्या क्या तोहफे लाए हम आपकी खातिर। In collaboration with Toronto 360 TV, tohfe.com is now delivering gifts to over 200 cities of Pakistan. Order online to get amazing discounts. Use code CAN360 or call 647-291-3707, 647-243-4243. Team Farhan Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan ko ek dafa khidmat ka zarur mauka dijiyega. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Greenish
hand sanitizer, Ala Clean quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareede ya hamari website par order kare. www.greenish.com. Dixie Electronics and Appliances is your number one destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. If you are looking for a dedicated and honest real estate agent, then meet Wasif Khan, servicing the community for years in resale and pre-construction projects. Sell your property in top dollars with TV, radio, social media, and MLS marketing. We also help with mortgages. For all your real estate needs, contact me at 647-786-8765 or visit wasifkhan.ca. Hi guys, I'm on my break at Etobicoke General Hospital and I thought I'd take this opportunity to teach you an important technique for hand washing. As you know, you can either use an alcohol-based hand sanitizer 70% or higher, or simply soap and water. So in my room, I have some soap and water, so let's get started. So I'm gonna put some soap on my hands. And so it's important to do at least 20 to 30 seconds with following motions. So we want to get in between the fingers, all right, from each side. We want to get the nails underneath on both sides. We also want to make sure we get the thumbs, because thumbs stick out and sometimes we don't get them. Then on top of the hands, the wrists, and all over. 20 to 30 seconds. And now we simply rinse it off. Now our hands are clean, so we don't want to touch anything. And we simply dry it off. And ta-da, all germs are gone. या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना तो रियल स्टेट की फील्ड में आपका दोस्त आपका रफीक ताबिश तौफीक ताबिश तौफीक. If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Taufeeq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. आपका दोस्त आपका रफीक ताबिश तौफीक ताबिश तौफीक 647-518-3000. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं. आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं. ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स. सो कॉल नाउ एट 416-508-3989. ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा. इट्स नेवर टू लेट टू फॉलो योर ड्रीम्स. Thank you.
The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. शौक है नवाबों का और महफिलों की जान है, मुंह में जो रस खोल दे यही तो इसकी पहचान है। जायका है रवायती और खुशबू बेमिसाल है, कभी मीठा कभी खुशबूदार और कभी सौंफ सिपारी की भरमार है। मेहमान नवाजी का जो आखिरी पायदान है, सांसों को महका दे लबों को जो कर दे लाल, यही तो बाबू का पान है। और पान ही नहीं, फालूदा, आइसक्रीम और शवारमा भी है दस्तयाब। तो तशरीफ लाएं हमारी किसी भी ब्रांच पे, बाबू पान, टेस्ट नॉन स्टॉप। मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली तआवुन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशन के लिए कॉल करें 9052571342 या wimcanada.com पे लॉग इन हो। जैसे जैसे कारोबार दोबारा खुल रहे हैं, जिस्मानी दूरी की मशक जारी रखें और अक्सर अपने हाथ धोएं। कोविड 19 के फैलाव को रोकने में मदद करें। ontario.ca/coronavirus देखें। यह इश्तेहार हुकूमत ऑन्टेरियो ने जारी किया है। I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate? And looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. Student Biryani, famous Pakistani cuisine in Mississauga, offers a relaxing atmosphere which is perfect for couples, families and groups. All halal menu with our signature biryani haleem, delicious balochi karai and peshawari karai made with fresh ingredients, nihari, barbecue rolls, kids meals and many more Pakistani dishes for all ages. We also offer customized menu for catering. Student Biryani, proudly serving food lovers since 1969. This is our first and only branch in Canada. Come visit us today at 1010 Dreamcrest Road, Mississauga, or call us at 905-812-1969. जिंदगी में आगे बढ़ते रहना ही कामयाबी है, और कनाडा में कामयाबी शुरू होती है अपने घर से। तो अगर आप घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो चुनिए सिर्फ ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड रियल स्टेट प्रोफेशनल को लाइक मोहम्मद कमालुद्दीन। रियल स्टेट, इन्वेस्टमेंट्स और प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के डाइवर्स एक्सपीरियंस के साथ एक्सपेक्ट नो सरप्राइजेस, जस्ट ऑनेस्ट कस्टमर सर्विसेज फ्रॉम मोहम्मद कमालुद्दीन। So call now at 416-890-2501. In collaboration with Toronto 360 TV, Tohfe.com is now delivering gifts to over 200 cities of Pakistan. Order online to get amazing discounts. Use code CAN360
or call 647-291-3707, 647-243-4243.